पूरे देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और राज्य लगातार केंद्र से गुहार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बोलें तो देश में माहौल डर का है। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इसी के चलते ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ रही है। यहां तक कि अब केंद्र ने खुद कह दिया है कि देश को ऑक्सीजन आयात करना होगा। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि पिछले साल मार्च में शुरू हुए कोरोना संकट के बाद भी देश में ऑक्सीजन का स्टॉक बनाए रखने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी के बीच ऑक्सीजन का निर्यात दोगुना बढ़ा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अप्रैल से जनवरी 2021 के बीच भारत से ऑक्सीजन का निर्यात दोगुना होकर करीब 9,500 मेट्रिक टन तक पहुंच गया है और इससे करीब 8.9 करोड़ रुपए की कमाई हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये निर्यात इस बात के बावजूद हुआ कि भारत कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से था और यहाँ खुद ऑक्सीजन की भारी जरूरत थी। गौरतलब है कि इसके पहले पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने करीब 4,500 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन निर्यात किया था, जो अब इस महामारी के दौर में दुगने से भी ज्यादा हो गया है। बता दें कि जो कुल ऑक्सीजन भारत ने निर्यात किया है उसका भारी हिस्सा सिर्फ पड़ोसी देश बांग्लादेश को गया है। बांग्लादेश को 8,828.30 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन निर्यात किया गया, तो वहीं इसके बाद लिस्ट में नाम आता है नेपाल का, जिसे मात्र 216.13 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन निर्यात किया गया। वैसे आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए काफी महत्वपूर्ण संसाधन होता है और इसी की कमी ने अब चारों ओर कोहराम मचाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।